किसी ने बहुत कमाल ही कहा है कि कभी कभी हमें अपने जीवन में कुछ सीख जानवरों से भी लेनी चाहिए। चलिए इस कहानी के माध्यम से आज मैं एक ऐसी ही सीख आप लोगों को सुनाता हूँ। किसी गांव के समीप एक सांप रहता था। वह बड़ा तेज था। उस रास्ते से जो भी गुजरता वह उस पर दौड़ पड़ता और उसको काटकर उसकी जान ले लेता। गांव के सारे लोग उस सांप से तंग आ गए थे और उसे अब कोसने लगे। आखिरकार अंतिम में हारकर लोग उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिए जहां पर सांप रहता था। गांव का वह हिस्सा जहां पर सांप रहता था एकदम उजड़ा सा होने लगा और वहां पर अब कोई आता जाता नहीं था। एक बार भगवान गौतम बुद्ध उस गाँव में आए, तब लोग उनके पास जाकर उस सांप के बारे में पूरी घटना बताई। गांव वालों की पूरी बात सुनने के बाद भगवान गौतम बुद्ध उस सांप के पास गए और उसे समझाने लगे, यह जीवन बार बार नहीं मिलता, ऐसा भी क्या जीना कि लोग तुम्हें कोसें और गालियां दें। तब सांप ने भगवान बुद्ध से पूछा, आखिर मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा कि तुम हमला करना छोड़ दो, सभी लोगों के साथ प्यार से व्यवहार करो। उस दिन के बाद सांप खुले मैदान में चुपचाप शांति से बैठा रहता था। जब गांव वालों को इस बारे में जानकारी हुई तो वो बेधड़क उस रास्ते से आने जाने लगे। शाम के समय गांव के सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते और उस सांप को ईंट पत्थर मारने लगे और तो और उसके बदन में लकड़ी चुभते। बेचारा सांप सब कुछ सहन करता जा रहा था। संयोग से एक बार महात्मा बुद्ध फिर उसी रास्ते से गुजरे। सांप की हालत देखकर भगवान गौतम बुद्ध बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। तब भगवान बुद्ध ने उस सांप से पूछा, अरे ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है? तब सांप ने सारी बातें भगवान को कह सुनाई। सांप की सारी बात सुनने के बाद भगवान गौतम बुद्ध बोले, भाई सांप, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। इस संसार में जो अपने तेज को प्रकट नहीं करता उसे कोई जीने नहीं देता। अब सांप भगवान गौतम बुद्ध की सभी बातों को समझ चुका था और उस दिन से अब वह लोगों के ऊपर फुफकारना शुरू कर दिया था। उसकी फुफकार को सुनकर बच्चे वहां से दूर भाग जाते थे और तो और सांप ने काटना तो पहले ही छोड़ दिया था, इसलिए लोग उससे डरना भी छोड़ दिए थे। अब लोग भी चैन से रहते थे और सांप भी चैन से जीता था। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में एकदम सीधापन नहीं रहना चाहिए। हमारे अंदर अगर जो तेज है, जो ताकत है, समय समय रहने पर हमें उसे दिखाते रहना चाहिए, नहीं तो इस दुनिया में आपको कोई जीने नहीं देगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।